फिर एक बार आपका ये दोस्त आपके बीच में है। अगर कोई मुझे कहे कि सारे इतने कार्यक्रमों के बीच वो कौन सा कार्यक्रम है जो आपको सबसे ज्यादा दिल को छूने वाला है, अपने दिल के करीब है, तो मैं कहूंगा क्या, कौन सा? बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। तो आज हम बातचीत शुरू करते हैं और आजकल की फैशन है भाई हैशटैग विदाउट फिल्टर। तो हमारे बीच भी हैशटैग विदाउट फिल्टर। जैसे आप अपने दोस्तों से बात करते हैं वैसे ही करेंगे, कोई बोझ नहीं, हल्की फुल्की बातें, गलती भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, और मेरी होगी तो टीवी वालों को भी मजा आएगा। 2002 में भी आपने देखा होगा भारत की टीम वेस्टइंडीज खेलने गई थी, तो उस समय हमारे एक अच्छे बॉलर अनिल कुंबले, उनको एक बाउंसर से चोट आई और पूरा जड़वा टूट गया, काफ़ी पट्टियाँ वट्टियाँ बांध करके, और उसका पेन आप समझ सकते हैं, यहाँ जब चोट लगती है तो दांत में थोड़ा सा भी दर्द होता है कितना होता है। अब स्थिति ये थी कि अनिल बॉलिंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने दर्द की परवाह नहीं की, रोते नहीं बैठे। अगर वो न भी खेलते तो देश उनको दोष नहीं देता, लेकिन उन्होंने तय किया नहीं, मेरा जिम्मा है, ठीक है दर्द होता है तो होता है, जितनी पट्टियां लगा सकते हैं लगाएं, मैदान में उतरे। और आपको पता होगा कि उस समय 12 की विकेट लेना यानी बड़ा अचीवमेंट माना जाता था, और ब्राउन लारा की विकेट लेकर के उन्होंने मैच का पूरा चित्र पलट दिया, यानी एक व्यक्ति का संकल्प औरों को भी मोटिवेशन का कितना बड़ा कारण बन जाता है। ऐसी अनेक घटनाएं आपके सामने होगी जिसको देख करके आप तय कर सकते हैं कि मैं इमोशंस को मैनेज करने का मेरा तरीका, उस पर देखने का मैं ऐसा कर कैसी तरीका है उस पर निर्भर करता है। अगर इसको हमने कर लिया तो मूड ऑफ होगा, लेकिन फिर भी आप पल दो पल में उसको मैनेज भी कर लेंगे और फिर आप उसी स्वस्थ मन से अपनी बात को आगे बढ़ा सकेंगे। आज दुनिया बहुत बदल चुकी है, संभावनाएं बहुत बढ़ गई है, सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। उसी प्रकार से कोई एक एग्जामिनेशन ये पूरी जिंदगी नहीं है, वो एक पड़ाव है। सबसे पहले हमने हमारे पूरे जीवन का ये महत्वपूर्ण पड़ाव मानना चाहिए, लेकिन यही सब कुछ है ये कभी नहीं मानना चाहिए। जिस दिन माँ बाप को मैं खास प्रार्थना करूंगा कि आप बच्चों को ये नहीं तो बस कुछ नहीं, ये जो मूड बना देते हो, मैं बन करके ऐसा मत करो, ये हुआ अच्छी बात है, ज्यादा अच्छा हो और अच्छी बात है, लेकिन कुछ न हुआ तो जैसे दुनिया लूट गई, ये सोच बिल्कुल ही आज के युग में उपयुक्त नहीं है। बहुत सारे स्कोप है, जीवन के किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं आप। आपने देखा होगा किसान, हो सकता है स्कूली शिक्षा बहुत कम हुई हो, लेकिन वो सीखता है, अनुभव करता है, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करता है, शिक्षा की अपने खेती की पद्धति बदलता है, आधुनिक करता है, जीवन को कितना बढ़िया बना देता है। और इसलिए मैं साफ कहूंगा
कि परीक्षा का महत्व है, उसके बावजूद भी परीक्षा ही जिंदगी है, ये सोच से हमें बाहर आना चाहिए। जीवन में कई प्रवृत्तियां होती हैं, कई चीजें होती हैं, इसको लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। जहां तक मोटिवेशन एंड डिमोटिवेशन का सवाल है, जीवन में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको इन चीजों से गुजरना न पड़ता हो। हर किसी को इस दौर से गुजरना ही पड़ता है, बार बार गुजरना पड़ता है। कभी कुछ करने के लिए बहुत मोटिवेटेड होते हैं, कभी एकदम से असफलता मिली तो डीमोटिवेट हो जाते हैं। अब आप देखिए चंद्रयान, आप सब रात को जाग रहे थे, हैं? चंद्रयान को भेजने में आपका कोई कंट्रीब्यूशन था क्या? नहीं था, लेकिन आप ऐसा ही मन लगा के बैठे पर जैसे आपने ही किया है, किया ऐसा होता तक नहीं होता। और जब नहीं हुआ तो आप सबके सब साइंटिस्ट के बाहर छोड़ पूरे हिंदुस्तान एक प्रकार से डीमोटिवेट हो गया, नहीं हो गया था। अब सब रात को जाग रहे थे। कभी कभी विफलता हमको ऐसा कर देती है, तो मैंने कहा ऐसा करो यार सबको बुलाओ। तो फिर जो बेचारे सो गए थे उनको बुलाया। मैंने कहा देखिए सुबह हमको जाना है, लेकिन हम कार्यक्रम बदल कर देंगे, सुबह हम जल्दी नहीं जाएंगे, देर से जाएंगे। और इन साइंटिस्टों को रात के 3 बज गए हैं, लेकिन क्या सुबह 7, 7:30, 8 बजे इकट्ठे हो सकते हैं क्या? मैं मिलना चाहता हूँ। और इसलिए मैं सुबह उन साइंटिस्टों को फिर से इकट्ठा किया, मेरे भाव मैंने व्यक्त किए, उनके परिश्रम को जितनी सराहना की जा सकती है कि देश के सपनों की बातें की, एक पूरा माहौल बदल गया। और वहां बदला ऐसा नहीं, पूरे हिंदुस्तान का बदल गया। जिस घटना ने, कहने का मतलब यह है कि हम विफलताओं में भी सफलता की शिक्षा पा सकते हैं। हर प्रयास में हम उत्साह भर सकते हैं और किसी चीज में आप विफल गए इसका मतलब ये है कि अब आप सफलता की ओर चल पड़े हैं। मैं भी आपसे चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी को अपने जीवन के विकास में एक साथी के रूप में जोड़ दीजिए आप, लेकिन जिंदगी का हिस्सा टेक्नोलॉजी मत बनने दीजिए, जिंदगी का हिस्सा। और इसके लिए आपने देखा होगा आजकल परिवार में 3 लोग हैं, सभी 3 कोने में बैठे हैं, हर कोई मोबाइल में बिजी है। देखिए एक काम आप जीवन में तय करेंगे, पर डे इतना समय मेरा 1 घंटा 2 घंटा केयरफुल, जो मैं खाली हूं लेकिन मैं अपने आप को टेक्नोलॉजी से दूर रखूंगा। पर डे 1 घंटा 2 घंटा टेक्नोलॉजी फ्री आवर, क्या कर सकते हैं आप? कोई गैजेट नहीं, कुछ नहीं। मैं, मेरे परिवार, मेरे दोस्त, मेरा बगीचा, मेरे घर में अगर कुत्ता है तो कुत्ता, जो भी है, बिल्ली है तो बिल्ली, जो भी है, ये 1 घंटा मैं तय करूं नो टेक्नोलॉजी, ऐसा कर सकते हैं क्या? जिस परिवार में 2-3 कमरे होते हैं, कुछ बहुत ही गरीब परिवार है उनके लिए तो टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन 2-3 कमरे हैं, क्या आप तय कर सकते हैं माँ बाप से आज बैठ करके वापिस जाने के बाद कि घर के अंदर 1 कमरा ऐसा तय करेंगे जिसमें टेक्नोलॉजी को नो एंट्री? तो एक प्रकार से मैं टेक्नोलॉजी के अतिशय महात्मा भी देता हूं, एट द सेम टाइम मेरे भीतर का इंसान रोबोट न बन जाए इसकी भी चिंता करता हूं। और इसलिए दोनों को बैलेंस बना करके
चलने के कुछ तरीके हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आप कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करते हैं, आप एक बिल्कुल रोबोट की तरह जो सॉफ्टवेयर आपके अंदर डाला है उसी प्रकार से सुबह से शाम करते रहोगे तो आप रोबोट बन के रह जाओगे। क्या हम चाहते हैं कि मेरा देश का नौजवान रोबोट बन जाए? नहीं चाहते हैं। हमारा नौजवान ऊर्जा से भरा हुआ, सपनों को लेकर चलने वाला, साहस सामर्थ्य दिखाने वाला, ये अगर नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। और इसलिए हमने अन्य गतिविधियां एक्टिविटी उसमें उदासीन कभी नहीं रहना चाहिए। ये ठीक है, समय का मैनेजमेंट करना चाहिए, संतुलन करना चाहिए, लेकिन उस एक्टिविटी यानी बिल्कुल बेकार, सब बर्बाद हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। एक समय था जब अवसर बहुत कम थे तो लगता था भाई एक बार किताबों की दुनिया से आगे बढ़ जाओ फिर रास्ते खुल जाएंगे। आज ऐसा नहीं है, आज अवसर बहुत है। और इसके लिए अगर हम कोशिश करें, हम प्रयास करें, तो हम अवश्य परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप स्कूली जीवन में विविधताओं भरे जीवन को कसने का आदत बनाते हैं तो आने वाले जीवन में ये बहुत उपयोगी होता है। जितना क्लासरूम में पाई हुई शिक्षा का महत्व बन जाता है, उतना ही 35-40 साल की उम्र के बाद ये अन्य चीजों से अपने आप को जो कसा हुआ है वो जीवन जीने के लिए बहुत काम आता है। और इसलिए एक को दूसरे का दुश्मन नहीं मानना चाहिए, एक दूसरे को नुकसान करना ऐसा मत मानना चाहिए। हमें एक्स्ट्रा एक्टिविटी करनी चाहिए। और दूसरा, 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों को तो मैं जरूर कहूंगा कि आप कुछ न कुछ तो एक्स्ट्रा कीजिए डेली।